तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। जैसा मैंने कहा था कि मैं कल वन शॉट वीडियो जो है वो आपके सामने लेके आऊँगा, तो मैं लेके आ चुका हूँ वन शॉट वीडियो फॉर द चैप्टर क्लास चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th मैटर इन अवर सराउंडिंग का मैं पहला वन शॉट वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो अब इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो और इसको जल्दी जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। अपने पास क्वेश्चन आता है मैटर इन सराउंडिंग में, सराउंडिंग का मतलब अपन जानते हैं, तो पहले देखते हैं मैटर क्या है। तो मैटर इनके होता है ऑल दीज थिंग्स या ऑल द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें जिनके पास क्या है, स्पेस है और जो क्या करती है, मास। उनके पास क्या है, स्पेस है और मास है। मास यानी वजन है, उनके अंदर कोई पार्टिकल्स है, वो क्या है, मैटर है। तो एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं ऑल थिंग्स और ऑब्जेक्ट लिविंग या नॉन लिविंग, वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। ठीक है, अब चलते हैं कि मैटर की पहली होती है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले बढ़ते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, उसके अंदर आता है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आता है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट कैन बी लाइक ए ब्लॉक। ये हो सकते हैं एक ब्लॉक, टुकड़े ऑफ वुड, यानी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना लकड़ी के, उनके तरीके के भी हो सकते हैं, और लाइक के पार्टिकल ऑफ सैंड साल्ट, और एक नमक के पार्टिकल के जैसे भी हो सकते हैं, मतलब इतने बड़े भी हो सकते हैं और इतने छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल में ले लो माउंटेन, जो कितना बड़ा होता है, वो भी एक मैटर है, और सबसे छोटा सॉल्ट, ये कितना छोटा पार्टिकल है, ये भी क्या है, मैटर है। तो दोनों चीज़ें किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है, ये मैटर है ये दोनों। ठीक है, और इस डायग्राम में जो आप देख रहे हो, इसमें देख रहे हो कि जो वाटर है उसके अंदर अपन क्या मिला रहे हैं, सॉल्ट मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, सॉल्ट। और जैसे ही अपन सॉल्ट को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी और दिख रही है कि मैटर जो है उसमें डिसॉल्विंग की पावर भी है। ठीक है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो, मैटर के पार्टिकल्स, दूसरा आता है कि कितने छोटे होते हैं, या फिर मैटर के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, अपन डायरेक्ट कह सकते हैं, और कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, देखो ये बताते हैं। ये डायग्राम देख रहे हो, ये पहले मैंने वीडियोस में नहीं बताया है, अभी देखो कि ये डायग्राम में जो आप देख रहे हो, ये एक फिगर दे रखा है, इसमें 100 ml अपन क्या ले लिया, पहले वाटर ले लिया, उसके अंदर अपन क्या मिला रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, जो पिंक कलर का वो सब्सटेंस है, उसको अपन मिला रहे हैं। और उसका सिर्फ एक बूंद मिलाने पर, सिर्फ एक चुटकी मिलाने पर, उसमें पानी देखो कितना गाढ़ा हो गया। उस पानी को अपन दूसरे ग्लास में करते हैं 100 ml में, तो भी वो देखो लाइट हो रहा है, फिर और लाइट हो रहा है, फिर और लाइट हो रहा है। ऐसे अपन ने 500 ml जो वाटर है उसमें इसको पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया, उसको पानी क्या है, पिंक होता जा रहा है। ठीक है, हो रहा है ना पिंक, इससे पता चलता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और पानी के अंदर उसके पार्टिकल्स पहले बड़ा था, फिर छोटे में टूटा, फिर उसके बाद में और छोटा टूटा, फिर और छोटा टूटा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से क्या है, बना हुआ है। जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो, इतना सा था वो वाटर के सामने, इतना सा एक बिंदी, एक पॉइंटर टाइप है ना, उसने पूरे 100 ml वाटर और उसके बाद में और भी 100 ml वाटर को क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो इससे पता लगा सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ही छोटे हैं। टिनी पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कीप ऑन डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर पार्टिकल। वो स्मॉलर पार्टिकल में क्या हुए, डिवाइड होते रहे, इसलिए तो वो कलर आता रहा। सो वी कैन से दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो अपन कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स वो कैसे हैं, बहुत छोटे हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, उसके तब उसके अंदर अपन पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उसके अपन पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके अंदर क्या है, उनके बीच में क्या है, स्पेस है। उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। जैसे आपने लेमोनेड, मैंने वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है, लेमोनेड, ये है लेमन जूस। ठीक है, जो आप घर पर बनाते हो ना लेमन जूस, वही है, उसी को कहते हैं लेमोनेड। ठीक है, तो इस लेमोनेड को बनाने में आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, शुगर का यूज़ कर रहे हो, लेमन एसिड का, सॉल्ट का, ठीक है, और भी कई पार्टिकल्स होंगे, आप उनका यूज़ कर रहे हो। और ये पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, घुल जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, घुल जा रहे हैं। और ये क्यों घुल जा रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या है, स्पेस है। किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। सो वी कैन केस, अपन कह सकते हैं कि जो मैटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है।
कैसे होता है, अगर अपन ने ये लेमन जूस लिया है ना, उसमें क्या देख रहे थे अपन कि पार्टिकल्स में जो शुगर सॉल्ट अपन ने मिलाया था वो घुल रहा है। वो क्यों घुल रहा है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। अभी दूसरा प्रॉपर्टी आती है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग है, यानी लगातार घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेस वॉट वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी। देखो, मैटर के पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, उस घूमने वाली जो उसकी सिचुएशन है, उसकी जो घूमने की आप कह सकते हो जो एनर्जी है, उसको अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उनके चलने की एनर्जी। ठीक है, एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर। और अपन ने देखा है कि जैसे अपन ये पतीला है, ठीक है ना, पानी भरने का, उसमें पानी भरा हुआ है, इसको आप गैस पे रखोगे और जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, अपनी गैस को ऑन करोगे, ठीक है, तो ये जो पानी है वो उबलने लग जाएगा। होता है ना, पानी क्या है, उबलने लग जाता है। गर्मियों के टाइम पर अपन पानी गर्म करके नहाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वाटर जो है वो उबलने लग जाता है। वो तो क्यों उबलता है? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो पार्टिकल्स को क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइज, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर ऑन देयर ओन आर कॉल्ड डिफ्यूजन। ये अपन ने पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग यानी एक दूसरे का मिलना, एक दूसरे को घोलने की प्रकृति जो होती है, वो घुलनशील प्रकृति, एक दूसरे को घोलने की, ऑफ टू डिफरेंट मैटर, दो डिफरेंट मैटर्स की, ऑन देयर ओन, खुद के द्वारा, किसके द्वारा, खुद के द्वारा, क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। मतलब घुलने की प्रवृत्ति दो मैटर्स की क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। ठीक है, जब मानो कि दो जो पार्टिकल, दो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे में घुल रहे हैं, तो क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है आपस में। जैसे अपन देखते हैं कि गैस को अपन ने ऑन किया, उसके अंदर मानो चाय बना रहे हैं, दूध के अंदर अपन ने चीनी डाली, तो उसको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दूध के अंदर चीनी जो है वो अपने आप मिल जाती है, तो वो होता है डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे मानो कि अपन ने बम फोड़ा और उस बम का जो धुआं था वो एयर में क्या हो गया, मिल गया, तो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, जो एयर के पार्टिकल्स में मिल गया। तीसरा होता है, उसी के बीच में आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स वो एक दूसरे को करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। भाई सही बात है। देखो, एक माउंटेन भी मैटर है, अपन भी मैटर है। क्या अपनी उंगलियां अलग हो जाती है खींचने पर? नहीं। क्या रबर बैंड अलग हो जाता है खींचने तो? नहीं। क्यों नहीं होता भाई, वो भी तो मैटर है। तो भाई उनके पार्टिकल्स ने क्या कर रखा है, उनको आपस में बांध रखा है, और इस तरीके से बांध रखा है कि वो मैटर के पार्टिकल्स क्या नहीं हो सकते, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, मैटर हैव ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मैटर के पास क्या है, एक फोर्स है जो कि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या करती है, एक्ट करती है। दिस फोर्स कीप टुगेदर, पार्टिकल्स को करती है टुगेदर रखने का काम करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज, वेरीज यानी डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है, वेरीज यानी डिफरेंट है, फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये एक मैटर में ज़्यादा हो सकती है और दूसरे में कम, ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों मैटर्स में क्या है, डिफरेंट है। अब दूसरा आता है स्टेट ऑफ मैटर, अपन पढ़ेंगे अब स्टेट ऑफ मैटर की, मैटर की कौन कौन सी स्टेट है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैटर की जनरली तीन टाइप ऑफ स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड के अंदर क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड, और डेफिनेट क्या होता है, शेप होता है, फिक्स्ड क्या होता है, शेप होता है, साइज होती है और वॉल्यूम होती है। सॉलिड के होते हैं रिजिड होते हैं, इसीलिए उनको क्या नहीं कर सकते, उनकी जो शेप है उनको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड के एग्जांपल स्टोन, ब्रिक्स, रबर, इटीसी। ठीक है, ये किसके एग्जांपल हैं, सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। अब सॉलिड स्टेट में अगर कोई बच्चा कहता है कि रबर भी तो एक एग्जांपल है, तो देखो रबर भी एक एग्जांपल है, लेकिन रबर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक्सटेंट हो जाता है, वो एक्सटेंट नहीं होता है, सॉरी एक्सटेंड हो जाता है ना, खिंच जाता है। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स, खींचने वाली फोर्स, अगर वो हटा दी जाए तो वो क्या होगा, तो वो अपनी स्थिति में क्या हो जाएगा, दोबारा से आ जाएगा, अपनी पोजीशन पर दोबारा से आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि रबर क्या है, सॉलिड है। ठीक है, शुगर वुगर उनको हाथ में लोगे तो, मैंने पहले बता दिया था कि अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर लिक्विड लिक्विड जो है वो किसी की शेप ले लेता है, तो सर सॉलिड के पार्टिकल्स भी किसी की शेप ले लेते हैं। जैसे शुगर का मॉलिक्यूल अगर चीनी में भर, मतलब कटोरी में भर दिया, तो कटोरी की शेप ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो कटोरी की शेप सिर्फ दिखावट है, मतलब कटोरी की वो शेप नहीं लेते, कटोरी में वो फिल हो जाते हैं,
लेकिन उनकी खुद की एक क्या है, क्यूबिक शेप है। तो मैटर जो है वो अपना खुद की क्यूबिक शेप को कभी भी चेंज नहीं कर सकता, सॉलिड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट, सेकंड स्टेट कौन सी है, लिक्विड स्टेट। इसमें क्या पढ़ेंगे, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड के पास अपनी खुद की एक फिक्स्ड शेप तो नहीं होती, क्योंकि किसी भी कंटेनर में आप लिक्विड को डाल दो उसी शेप का ले लेगा। लेकिन दे हैव शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे कीप, लेकिन उनके पास वो शेप जरूर होती है जिनके अंदर वो होते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर फ्लूड। लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फ्लूड कहा जाता है, ठीक है। लिक्विड को फ्लूड क्यों कहा गया है, क्योंकि वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लिक्विड हैव मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, लिक्विड के पास स्पेस ज़्यादा होता है किसके तुलना में, सॉलिड्स की तुलना में, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर चीज़ें घुलना क्या है, आसान है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, मोर स्पेस होता है, इसलिए उसके अंदर चीज़ें क्या कर सकती है, आसानी से घुल सकती है बजाय सॉलिड के। लिक्विड का एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, वाटर, परफ्यूम, सबसे ज़्यादा डिजॉल्वर एग्जांपल क्या है, वाटर है, उसके अंदर सारी चीज़ें अधिकतर घुल जाती है। द गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट तीसरी स्टेट है, उसके अंदर आता है हाइगली कंप्रेसिबल। गैसेस की होती है हाइगली कंप्रेसिबल होती है, मतलब उसको अपन कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस को क्या कर सकते हैं, अपन ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अपन ने एग्जांपल लिया है सीएनजी, है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी किसके कंप्रेस किए गए हैं, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस किया गया है और लिक्विड में चेंज किया गया है एट ए लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। इस काम के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। जब भी आप गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज करना चाह रहे हो तो उसके लिए टेम्परेचर भी लो होना चाहिए और प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं कि इसके एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एचटीसी, ठीक है ना। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज स्पेस बिटवीन द देम, गैसेस शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू गैसेस अनदर गैसेस। मतलब डिफ्यूजन क्या समझा था अपन ने, एक चीज़, एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ में घुलना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, इट्स आउन, ठीक है। तो जो गैसेस में है ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गैसेस के अंदर पार्टिकल्स की डिस्टेंस क्या होती है, दूर दूर होती है, तो आपस में क्या हो जाते हैं, जल्दी घुल जाते हैं, ठीक है। अब देखो सॉलिड की जो स्टेट है वो देख लो, सॉलिड के पार्टिकल्स कितने कम्पैक्टली पैक हैं, बिल्कुल पैक, क्लोजली पैक। लेकिन लिक्विड के अंदर उनमें क्या है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस है। लेकिन गैसेस के अंदर क्या है, खुले खुले हैं, वो बिल्कुल ओपनली मूवेबल हैं, वो आराम से कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये तीनों फर्क होते हैं लिक्विड, सॉलिड और गैस के। अब तीसरा आता है कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, तो ऑब्वियसली कर सकता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके अंदर जो चेंज ऑफ स्टेट है उसके अंदर दो चीज़ें वेरीज करती है, पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अपन पढ़ेंगे सॉलिड इंटू लिक्विड, सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड इंटू लिक्विड के, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने पर टेम्परेचर क्या करता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना, तक अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, पार्टिकल्स में जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा, रिगट ज़्यादा होगी, टकराएंगे ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी और सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में मेल्ट होना चालू कर देगा, ठीक है। और द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट इंटू कन्वर्टिंग इंटू लिक्विड स्टेट, ठीक है, एट ए पॉइंट सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इंटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिस टेम्परेचर को सॉलिड से लिक्विड में चालू कर दे बदलना। मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है, यहाँ आपकी बुक में दे रखा है इसलिए बताया, नहीं सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड चेंज सॉलिड इंटू लिक्विड क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट समझ लिया, मेल्टिंग पॉइंट एक पॉइंट है जिस पर वो चेंज होना चालू करता है, लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो क्या है, फ्यूजन है, वो क्या है, फ्यूजन, उसको फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट के बारे में अपन बात कर चुके हैं कि एक किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी मेल्टिंग, जितना टेम्परेचर चाहिए एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब देखो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया,
उसको कहते हैं फ्यूजन। लेकिन लिक्विड से जब सॉलिड में चेंज होता है ना तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होंगे तो फ्यूजन, लेकिन अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज होंगे तो सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन बहुत काम की। दूसरा आता है सॉलिड इंटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। देखो, एट विच टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इंटू गैसेज, स्टार्ट चेंजिंग इंटू गैसेज क्या कहलाता है? एट एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। उधर था मेल्टिंग पॉइंट, उधर क्या था? मेल्टिंग पॉइंट, अब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। फॉर वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन होता है। चेंज ऑफ लिक्विड इंटू गैस, देखो लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन कहलाता है। लेकिन जिस टेम्परेचर वो चेंज होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, समझ गए? जिस टेम्परेचर पर वो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन उसका चेंज होना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन कहलाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इंटू गैस क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। तो ठीक है, इसमें बताने वाली कोई दिक्कत नहीं थी, समझ में आ रहा है ना? हाँ, द चेंज ऑफ गैस इंटू लिक्विड, गैस का लिक्विड में चेंज होना। देखो लिक्विड का गैस में चेंज कर रहे हैं उसको कह रहे हैं अपन क्या कह रहे हैं? वेपोराइजेशन। लेकिन अगर लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? कंडेंसेशन, ठंडा होना। ठीक है, सॉलिड इंटू गैस, सॉलिड इंटू गैस, सॉलिड को गैस में चेंज करना। हार्ड पॉसिबल, यू हैव एग्जांपल ऑफ कपूर, कपूर का एक एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल है इसके अंदर कि कपूर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, जब उसको गर्म करते हो तो किस में चेंज हो जाता है? वो गैस में चेंज हो जाता है ना? When solid directly convert into gas, क्या कहलाता है? Sublimation। जब solid gas में convert हो जाए without coming in liquid phase, क्या कहलाता है? Solidification। और जब gas directly solid में convert हो जाए without coming in liquid phase, क्या कहलाता है? Sublimation। दोनों एक ही तरीके। अपने समझा, solids में liquid में जाते हैं तो क्या कहलाता है? Fusion। और liquid से solid में आते हैं तो solidification। Liquid से gas में जाते हैं तो vaporization। और gas से liquid में आते हैं तो condensation। ठीक है, सॉलिड से गैस में जाए तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में आए तो सब्लिमेशन। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, टेम्परेचर देख लिया, अब आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर चेंज हो जाए तो प्रेशर का क्या दबाव पड़ेगा? किस पर? चेंज ऑफ स्टेट पर। मैटर आर फाउंड इन वेरियस स्टेट, सो बिकॉज क्यों पाए जाते हैं? दे हैव डिस्टेंट, ये डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके बीच में क्या है? डिस्टेंस है। किसके पार्टिकल्स में? मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। इसलिए वो क्या है? तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, और भी फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देख रहे हो क्या है ये इमेज? ये इमेज बता रही है कि जो एक सिलेंडर मान लो, इसको कोई कम्पैक्ट मान लो, उसके ऊपर पिस्टल लगा हुआ है। उस पिस्टल से क्या कर रहे हैं अपन? गैस में क्या कर रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं। और जैसे ही अपन प्रेशर डाल रहे हैं तो गैस क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि वो गैस कंप्रेस होकर किस में बदलेगी? लिक्विड में, एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। ठीक है, सो वी कैन से दैट बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर और अप्लाइंग प्रेशर, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग टेम्परेचर और अप्लाइंग प्रेशर, उससे क्या कर सकते हैं अपन? लिक्विफाई कर सकते हैं गैसेस को। देखो सॉलिड CO2, ड्राई आइस कहते हैं इसको, आर स्टोर्ड इन हाई प्रेशर। जब प्रेशर कम होता है तो किस में चेंज हो जाती है? वेपर में चेंज होने चालू हो जाती है। सॉलिड CO2 बाजार में मिल जाएगी, लेके आ जाना, कहीं से भी मिल जाएगी आराम से। देन वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस। ये दोनों जो हैं, एक कह सकते हो दोनों जो हैं इफेक्ट डालते हैं किस पर? स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। एटमॉस्फेयर आप जब पढ़ते आ रहे हो इतनी देर से, सोचा होगा एटमॉस्फेयर क्या है? वो एक एटम है, वो एक यूनिट है। मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, जो प्रेशर मेजर किया जाता है किसके द्वारा? जो गैस मान लो एक प्रेशर लगा रही है आपके ऊपर, वो प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है? एटमॉस्फेयर के द्वारा। द यूनिट ऑफ गैस क्या कहलाती है? पास्कल। गैस की यूनिट क्या है? पास्कल है। 1 atmosphere में कितने पास्कल होते हैं? 1.01 × 10^5, इंटू का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमोसफेयर इज कॉल्ड एटमोसफेयरिक प्रेशर। एटमोसफेयरिक प्रेशर क्या कहलाता है? द प्रेशर ऑफ एयर इन गैस, इन लोकल गैस, अपनी एटमोसफेयर में। ठीक है, तो
अब आता है लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, इवेपोरेशन, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट कमिंग इन लिक्विड, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, सॉरी चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट रीचिंग एट द बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। ये कैसे पॉसिबल है, अगर बॉइलिंग पॉइंट पर कोई पहुंच के वेपोराइज होता है तो उसको कहते हैं अपन वेपोराइजेशन, ठीक है। जब कोई बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच के लिक्विड गैस में बदलता है उसको कहते हैं वेपोराइजेशन, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट पर ना पहुंचे और वो गैस में बदल जाए उसको इवेपोरेशन। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता कौन है, घटाता कौन है, कौन टेक केयर करता है इनकी, वो करता है नेचर। ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो किसके द्वारा होती है, नेचर के द्वारा होती है। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, लेफ्ट वाटर लेफ्ट अनकवर्ड, जब ढका हुआ नहीं रहता वाटर, जैसे रोड पर बारिश हुई, पानी जो है वो रोड पर फैला हुआ है, धूप आएगी और पानी कैसा हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, स्लोली चेंज इनटू वेपर, जो पानी है वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े सूख जाते हैं, सबसे बड़ी प्रोसेस है, इसको तो अपन रोज करते हैं, है ना, तो किससे होता है, सन की लाइट से होता है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं होता, अगर बॉइलिंग पॉइंट पर होता तो अपने कपड़े के हो जाते, जल जाते, ठीक है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं होता, वो नेचर के द्वारा अपने आप ही क्या हो जाता है, इवेपोराइज हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, इवेपोराइजेशन कहलाता है। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोराइजेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, पहला है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बड़ा होगा तो इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा होगा तो ऊपर वाली लेयर के सरफेस ज़्यादा होगा और वो जल्दी से वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। चावल खाते हो तो बड़ी प्लेट में खाओगे तो ज़्यादा जल्दी ठंडे होंगे और कम्पैक्ट प्लेट में खाओगे तो बहुत कम ठंडे होंगे, ठीक है। पहले ऊपर वाली लेयर ठंडी होगी उसके बाद में दूसरी होगी, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जब अपन कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों को दूर दूर सुखाते हैं, ठीक है। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बहुत जल्दी से वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम हुई, नमी कम हुई, अगर देखो एटमॉस्फेयर के अंदर अपनी एक क्या है, नमी का क्या है, लेवल है, एक नमी का क्या है, लेवल है, उस लेवल पर अगर नमी है एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो दूसरी नमी को लेगा नहीं, अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप दूसरे खाने को तोड़ना खाओगे, हैं, खाना तोड़ना खाओगे दादा, उल्टी हो जाएगी। उस तरीके से जो एटमॉस्फेयर उसके पास क्या है, अगर खुद की नमी भरी हुई है उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी है तो ज़्यादा वेपर जो है वो लेगा नहीं, अगर कम है तो वो वेपर लेगा, तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इवेपोराइजेशन ज़्यादा होगा। एन इंक्रीज ऑफ बाइंड स्पीड, अगर अपन बाइंड की स्पीड को बढ़ा दें तो क्या होगा, विथ इंक्रीज ऑफ बाइंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव्स अवे विद द बाइंड, किसके साथ चले जाएंगे, बाइंड के साथ, और फिर कम पार्टिकल्स बचेंगे वाटर के, इसलिए वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कूलिंग कैसे कॉजेज करती है वेपोराइजेशन, इन एन ओपन वेजल, ओपन वेजल यानी खुले, कोई वेजल मान लो, खुली कोई चीज़ मान लो, कोई वस्तु मान लो, लिक्विड कीप्स इवेपोरेटिंग, जो लिक्विड है वो वेपोराइज होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो पार्टिकल्स है लिक्विड के वो बाहर से एनर्जी लेते हैं और खुद की एनर्जी बाहर को देते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, इवेपोराइज होते हैं। द एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल, ठीक है। अब वो देखते हैं कैसे, देखो मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक पतीला है, एक क्या है, एक प्लेट मान लो, चलो इसमें मैंने ठंडा पानी भर दिया, ठीक है, ये ठंडा पानी भरा हुआ है, ये यूँ मानो ये क्या है, ठंडा पानी है, नीला नीला, ठीक है, और यहाँ पर इस ठंडे पानी के साथ में ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या है, वाटर है, है ना, ये क्या है, वाटर। अब ये एटमॉस्फेयर गर्म है और ये वाटर क्या है, ठंडा है, तो ये वाटर क्या चाहेगा कि मैं वेपोराइज हो जाऊँ, मैं अपने आसमान में मिल जाऊँ, वेपोराइज हो जाऊँ, उसके लिए उसको हीट चाहिए, तो हीट किससे लेगा, वो एटमॉस्फेयर से, तो वाटर है वो एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, हीट लेगा, और अपनी जो जो एटमॉस्फेयर से हीट लेगा उससे तो वो वेपराइज हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा, जो एटमॉस्फेयर से हीट लेगा उससे क्या हो जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन उसकी खुद की हीट का क्या, उसके पास भी तो कूलिंग थी, उसका क्या करेगा वो,
तो वो कूलिंग जो है, जब वो उससे ले रहा है तो उसको कुछ देना भी तो पड़ेगा, तो वो क्या दे देगा, अपनी कूलिंग दे देगा। तो एटमॉस्फेयर से हीट को ले रहा है और अपनी कूलिंग एटमॉस्फेयर को दे रहा है, तो उससे क्या बढ़ती है, एटमॉस्फेयर में कूलिंग बढ़ती है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जो सॉरी इवेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, तो कूलिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी के साथ में अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।